अभी 19-20 फरवरी को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस आए थे। भोजन की मेज पर हम 6 लोग बैठे थे, मोदी जी थे, उनके साथ क्राउन प्रिंस बैठे थे, मैं थी, उनके विदेश मंत्री थे और साथ में हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर थे मुख्तार अब्बास। ऐसे मैंने उनसे कहा इनसे हज कोटा की बात करो, उन्होंने सुन लिया, इतना तो सुन ही लिया, हिंदी तो नहीं समझते थे। बोले एक्सेलेंसी यू आर टॉकिंग अबाउट सम हज कोटा, आई सेड यस। उनका कितना चाहिए तो थोड़ा संकोच से कह रहे थे मुख्तार ने, लेकिन 1.90 की बात करो, 1.75 है। मैंने कहा जो भी कर दिया, तो मैंने उनसे कहा एक्सेलेंसी यू इंक्रीज इट टू 200,000, वहाँ लाख में क्या 200,000, 2 लाख कर दीजिए। तो ऐसे मोदी जी की तरफ कहते करते यस ब्रदर आपको क्या कहना है, तो मोदी जी ने कहा कर दीजिए ना, लोग दुआ देंगे। पहली बार 1,25,000 हाजियों के लिए कोटा बढ़वाने वाला मोदी है। और यहाँ बहने बैठी हैं, बैठी होंगी कुछ मुस्लिम बहनें भी बैठी होंगी। मुस्लिम बहनों को इजाजत नहीं थी बिना पुरुष अभिभावक के हज पे जाने। मोदी जी ने कहा क्यों भाई, क्यों वो आश्रित रहे अगर उनके मन में हज की यात्रा करने का है, वो हाजी बनना चाहती है, तो क्यों ये आश्रिता बनी है कि पति या भाई या पिता जाएगा तभी वो जाएगी। अगर उनके मन में वो अकेली जा सकती है, सहेली को लेके जा सकती है, बहन को लेके जा सकती है, माँ को लेके जा सकती है। ये पाबंदी हटा दी और इसीलिए इस बार हजारों की संख्या में मुस्लिम बहनें बिना पुरुष अभिभावक के जा सकती है। और ट्रिपल तलाक के लिए बात कहती है कि जिस यातना को वो भोग रही थी कि 3 बार तलाक 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 कहो और 3 बार तलाक 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 करके के जिंदगी से बाहर कर दो, उन ट्रिपल तलाक की महिलाओं की पीड़ा को समझ बड़ी अच्छी ट्रिपल तलाक करो। कोई नहीं, आप सबको मोदी जी को आशीर्वाद दो, मुमकिन तो कर दिया उन्होंने, आप सबको आशीर्वाद दो और आप लोग घर घर जाकर के प्रचार करो भारत की जनता पार्टी। तो अल्पसंख्यकों के लिए जिनके लिए ये कहा जाता था कि कभी मोदी जी उनकी तरफ देखेंगे नहीं, और यही नहीं जो फॉरेन पॉलिसी के विश्लेषक थे, विदेश नीति के विश्लेषक, वो तो ये कहते थे कि अगर मोदी आ गए तो अरब जगत पूरे का पूरा विदेश नीति के नक्शे से मिट जाएगा। ये आर्टिकल्स हैं, कॉलम्स लिखे गए। और आज मैं आपको बताती हूँ कि 3 बड़े अरब देशों में सऊदी अरब जो मक्का मदीना दोनों के दोनों होली मॉस्क के कस्टोडियन है, उस सऊदी अरब ने, यूएई ने और पैलेस्टाइन ने अपने अपने सर्वोच्च पुरस्कारों से नवाजा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। ये है इन वर्गों की मैंने बात की। अब मैं अलग से महिला वर्ग की बात करती हूँ, क्योंकि बहनें कहेंगी सब कुछ बोल के चली हमारे बारे में कुछ कहा। बहनों जहां तक महिलाओं का सवाल है, अजन्मी बच्ची से लेकर और आपके बुढ़ापे तक की चिंता मोदी जी ने, अजन्मी बच्ची से कन्या भ्रूण हत्या हमारे यहाँ एक अभिशाप बना हुआ है। अभी तक सरकारी कानून बने और उन्हीं पे छोड़ दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनी उन पे छोड़ दिया गया, लेकिन मोदी जी ने कहा ये जन अभियान जब तक नहीं बनेगा इस पाप से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया और मैं उसका असर आपको बताती हूँ, क्योंकि हरियाणा राजस्थान की परंपराएं एक सी हैं। हरियाणा में कुआं पूजन होता है 40 दिन की जच्चा, पर वो बेटे की माँ करती है, बेटी की माँ नहीं करती। इतना बड़ा अंतर आया है कि हर दिन एक निमंत्रण मुझे हरियाणा से आता है कि हमारी बेटी का कुआं पूजन का कार्यक्रम है, दीदी आप जरूर आइए और उसमें प्रीति भोज भी होता है। तो अजन्मी बच्ची को जन्म लेने का अधिकार दिया है प्रधानमंत्री मोदी। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना, अगर बच्ची के नाम पे आप पैसा बैंक में जमा करा दो तो सेविंग बैंक अकाउंट में 4.5% इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन सुनिश्चित कर दिया कि अगर बेटी के नाम पे आपने रखा तो 8.5% का इंटरेस्ट
आपको मिलेगा ही मिलेगा सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से। शादी हो गई, शादी होने के बाद बच्चा हो, गरीब की महिला गर्भवती होते ही 6,000 रुपया उसके बैंक में चला जाता है पोषक आहार के लिए, ताकि तुम अच्छा खाना खाओ और स्वस्थ बच्चे को जन्म दो। और जो कामकाजी बहने हैं उनके लिए नवजात शिशु की देखभाल करने के लिए 6 हफ्ते 6 महीने की छुट्टी वेतन सहित देने का ऐलान कर दिया। घर बैठे नौकरी की पूरी तनख्वाह मिलेगी मगर अपने बच्चे की देखभाल करें। रोजगार के लिए मुद्रा योजना, आप जानते हैं 16.5 करोड़ लोगों को मुद्रा का लोन मिला, 50,000 से 10 लाख तक का लोन, 16.5 करोड़, उसमें से 72% ऋण केवल महिलाओं को मिला है। शायद इसकी जानकारी आपको नहीं, 72%। एक और योजना बता रही हूँ, पता नहीं आप में से किसी ने उसका लाभ उठाया कि नहीं, स्टैंडअप योजना बनाई। स्टैंडअप योजना 1 करोड़ तक का ऋण देती है, 1 करोड़ तक का ऋण, और उसमें हर बैंक की हर शाखा को ये निर्देशित किया गया कि 1 ऋण इसमें से 1 महिला को जरूर दोगे, बैंक को नहीं बैंक की हर शाखा को। अगर आप में से किसी ने लाभ नहीं उठाया और आप अच्छा उद्योग चलाना चाहती हैं, अच्छी उद्यमी बनना चाहती हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि किसी भी बैंक की शाखा में जाइए, स्टैंड अप योजना के अंतर्गत अगर आप उद्यम लगाना चाहती हैं तो आपको 1 करोड़ का ऋण आप ले सकती हैं उस स्टैंड अप योजना के तहत, क्योंकि हर बैंक की शाखा को 1 महिला को जरूर देना। पहले हमारी लड़कियां पायलट बनकर के एयरफोर्स में चली गई, लेकिन लोगों ने कहा जी पायलट बन गई हैं मगर लड़ाकू विमानों का संचालन करने की इनको इजाजत नहीं देंगे। पिता मोदी जी ने क्यों कमजोर है क्या हमारी महिला? बिल्कुल कमजोर नहीं है, लड़ाकू विमानों में पायलट महिलाएं भेजो, और अब लड़ाकू विमानों में पायलट बनकर के रहने जा रहे हैं। ये जो सम्मान देने का काम और उनकी शक्ति को पहचानने का काम